जय श्री राम दोस्तों, ये रामचरित मानस कथा को आगे बढ़ाते हुए कल हमने बताया था कि कैसे तुलसीदास जी ने मंगलाचरण छंद लिखे हैं और फिर गुरु की वंदना की है। तो आज फिर उसी गुरु की वंदना को आगे बढ़ाएंगे और ब्राह्मण संत वंदना करेंगे और साथ में खल वंदना भी है। महात्मा तुलसीदास जी ने दुष्टों की भी वंदना की है, दुष्टों की भी वंदना की है, डर के नहीं, ऐसा मत सोचिए डर के किया है, क्यों किया है वो भी बताएंगे। तो पहले शुरू करते हैं कि गुरु वंदना थोड़ा अंतिम भाग उसका, और उसके बाद बाकी वंदना भी पढ़ेंगे। जता सुमंजन अंजि दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। गुरु जी के बारे में बात कर रहे हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी, जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देख लेते हैं, उसी तरह गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तेहि कर बिमल विवेक बिलोचन, बरनो राम चरित भव मोचन। उसी तरह राज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूं। इसके बाद उन्होंने आगे वंदना शुरू की है। बंदौ प्रथम मही सुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। जैसे पहले पृथ्वी देवता ब्राह्मणों के चरणों का वंदन करता हूं, सबसे पहला प्रथम प्रथम प्रणाम उन्होंने पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना की है। ब्राह्मण पूजनीय थे, पूजनीय होते हैं, ज्ञानी होते हैं, इसलिए उनके चरणों की वंदना किया। जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं, सारे अज्ञान को दूर करने वाले हैं, और फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विषय गुण मैं फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जग जस पावा। अर्थात जो संतों का चरित्र होता है वो जीवन जो कपास के चरित्र के समान होता है, कपास के जीवन के समान होता है, जिसका फल तो नीरस विषद और लेकिन गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र में भी कोई विषय के प्रति आसक्त नहीं होती, वह भी नीरस ही होते हैं। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी उज्जवल होता है, वह अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वो विशाल है, बड़ा है। और कपास में गुण होते हैं, तंतु होते हैं, उसी प्रकार संत के चरित्र में भी सद्गुणों का भंडार भरा होता है, इसलिए वो गुणी माने जाते हैं। जैसे कपास का धागा सुई किए हुए छेद को अपने तन देकर ढक देता है, सुई के छेद में जब धागा डालते हैं तो सुई का छेद भर जाता है, उसी तरह से संत लोग भी दूसरों के दोषों को ढक देते हैं, उनके पापों को दूर कर देते हैं। संत खुद तो दुख सहते हैं, परंतु दूसरों को जो है सुख देते हैं, उनके कष्टों को हरते हैं। मुदु मंगलमय संत समाजू, जो जग संगम तीरथ राजू, राम भक्ति जन सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। अर्थात संतों का समाज आनंद और कल्याण देने वाला है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज होता है। जैसे कि तीर्थ तो एक जगह स्थिर रहता है, लेकिन संत चलते रहते हैं, वो भी एक तीर्थ ही है, और जहां भी वो जाते हैं वो जो है सबको आनंद देते हैं। और जैसे राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा भी होते हैं, और ब्रह्म ब्रह्म विचार का प्रचार करते रहते हैं, वो सरस्वती जी भी उनको कहते हैं। विधि
विधि निषेधमय कलिमय हरनी कर्म कथार विनंदनि बरनी हरि हर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। ये करो वो करो ये मत करो ऐसे कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनिया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित होते हैं जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली है। तो यहाँ पे गंगा जी यमुना जी का भी महात्मा तुलसीदास जी ने वर्णन करके उनको प्रणाम किया हुआ है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा सब ही सुलभ सब दिन सब देसा सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में जो धर्म में अटल विश्वास है वो अक्षय वट है। जैसे प्रयाग में संगम के पास अक्षय वट है और उसी तरह से जो है हमारे शुभ कर्म उस तीर्थ राज का समाज है। यह संत समाज सब देशों सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अर्थात संतों की संगति आप करिए वो बहुत ही सहज है, बड़े आराम से आप पा सकते हैं और आपके सारे क्लेश उनकी संगति में नष्ट हो जाते हैं। अलक अलौकिक तीरथ राऊ देसद्य फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल ही फल देने वाला है और उसका प्रभाव जो है एकदम प्रत्यक्ष है, सामने आपके आ जाता है। सुनि समझो जन मोहित मन मन जही अति अनुराग लाई चारि फले अचत तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों फल प्राप्त कर लेते हैं। मज्जन फल पेखी तत्काला काक हो ही पिक बक मराला सुनी आचरज करे जनी कोई सत्संगति महिमा नहीं गोई। सत्संगत की महिमा छिपी नहीं है इस तीर्थराज में। स्नान का फल तत्काल ऐसे देखने में आता है जैसे कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस हो बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य मत करे क्योंकि सत्संग की महिमा सभी जानते हैं, इसको इसका कोई छिपा हुआ नहीं है। वाल्मीक नारद घट जोनी निज निज मुख लिखही निज होनी जल तर थल चरन अब चरनाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। गोस्वामी जी अपने सत्संग की महिमा कहते हुए कहते हैं कि वाल्मीकि नारद और अघट जोनी माने अगस्त जी ने अपने मुखों से ही इन सब का वर्णन कहा है, वर्णन किया हुआ है। और जल में जो रहने वाले हैं और थल में रहने वाले हैं या आकाश में रहने वाले नाना प्रकार के जो जीव जंतु हैं, जड़ हो चाहे चेतन हो, वो सब इस जगत में हैं। मति कीरति गति भूति भलाई जब जी जतन जहां जी पाई सो जानब सत्संग प्रभाउ लोक हूं वेद नयान पाऊ। उनमें से जो ये सब जीव हैं उनमें से जिसने भी जिस समय भी जहां कहीं भी जिस किसी यत्न से भी बुद्ध कीर्ति सदगत विभूत ऐश्वर्य और भलाई पाई है सो सब ये सब सब जो है सत्संग का ही प्रभाव समझिए। वेदों में भी और लोक में भी इसकी प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है, बिना सत्संग के जो है हमें भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। सत्संग भी एक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई सत्संगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। मतलब सत्संग के बिना विवेक नहीं आता,
बिना सत्संग के आपकी बुद्धि नहीं खुलेगी, और श्री राम जी के कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता, और सत्संगत का आनंद जो है अलग ही होता है। सत्संग ही आनंद और कल्याण की जड़ कह सकते हैं, और सत्संग ही सिद्धि का फल है, और साधन तो मूल है ही, है ना। सठ सुधर ही सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई, विधि बस सुजन कु संगत परही, फनि मनि समनि जगुन अनुसरही। मीन्स जो दुष्ट हैं, सठ हैं, वो भी सत्संगति में आके सुधर जाते हैं। संगति अगर अच्छी मिल जाए तो वो भी सुधर जाते हैं, उन बुराइयां उनकी दूर हो जाती है। जैसे कि पारस, जो एक गुणवान जिसे कह सकते हैं, पारस के छूते ही जो हमारा लोहा है वो भी सोना बन जाता है। उसी प्रकार से विधि बस सुजन, भगवान के कारण ही, भगवान के भाग्य के कारण ही सुजन जो दुष्ट लोग, जो अच्छे लोग हैं, वो कुसंगत में पड़ जाते हैं, दुष्ट संगति में पड़ जाते हैं। जैसे कि फनि मनि सम निज गुण अनुसर ही, जो है बिना, चूंकि भगवान का अगर उनके ऊपर कृपा नहीं है तो अपने गुणों को भी भूल जाते हैं, अपने गुणों का प्रभाव भूल जाते हैं, और जो है दुष्ट की संगत में वो सब अपने नष्ट कर लेते हैं अपने पुण्य। विधि हरि हर कवि को विद वाणी, कहत साधु महिमा सुचानी, सो मोसन कही जातन कैसे, साक बनिक मनि गुण गन जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की बाड़ी भी संत की महिमा का वर्णन नहीं कर सकी, उसको भी वर्णन करने में सकुचाती है वह। मैं कैसे कर सकता हूँ, तुलसीदास जी कहते हैं, मैं तो मूढ़ मति हूँ, मैं कैसे सत्संगत की महिमा का वर्णन कर सकता हूँ। जैसे कि जो साग भाजी बेचने वाले हैं उनसे कह दो कि मणियों की थोड़ा गुण उनका वर्णन कर दो, उसी तरह से आप मुझसे आप आशा करते हैं कि मैं सत्संगत की महिमा का वर्णन कर लूं। बंदो संत समाज चित हिता नहित नहीं कोई, अंजलि गत सुभ सुमन जिमी सम सुगंध करि दो। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, तुलसीदास जी कहते हैं, मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, मतलब उनके लिए न कोई मित्र है न कोई शत्रु है। जैसे कि अगर अंजुरी में रखे हैं सुंदर फूल रखे हैं तो वो सबको समान रूप से सुगंधित करते हैं, चाहे उन्होंने जिसने तोड़ा है वो हो या उसके जो संगति में आ रहे हैं वो हो, कोई भी हो, सबको समान रूप से कल्याण करते हैं। इसी तरह से हमारे जो संत लोग हैं वो भी, चाहे दुष्ट हो चाहे अच्छे लोग हों, सबका समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने, बाल विनय सुन करि कृपा राम चरण रति दे। तुलसीदास जी कहते हैं कि संत सरल हृदय के होते हैं, बड़े सीधे साधे होते हैं, और जगत के कल्याण के लिए ही वो उनका जीवन होता है। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जान के मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि ये मेरे बाल विनय जो है उसको सुन के कृपा करें और रामचंद्र जी, भगवान राम के चरणों में मेरी रति करें, अर्थात मुझे मेरे अंदर प्रेम पैदा करें। बहुर बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हुबाए, पर हित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि दुष्ट क्या होते हैं, जो कि बिना किसी कारण ही अपने के साथ भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, मतलब गलत आचरण करते हैं, दूसरों के हित की हानि हो वो है, उनकी दृष्टि में लाभ होता है उनको। इससे मतलब नहीं है कि उनका लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दूसरों का हानि हो रहा है, यही दुष्टों का स्वभाव है, और दूसरों के उजड़ने में ही उनको खुशी होती है, और अगर कोई दूसरा बस जाता है तो उनको बड़ा कष्ट होता है। हरिहर जसरा के सराहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से,
जे पर दोष लखहि सहसा की पर हित घृत जिनके मन माखी। अर्थात जो भगवान के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, मतलब अगर कोई भगवान की का गुणगान करता है तो उनको बड़ा कष्ट होता है, उनको लगता है ये क्या बात कर रहे हैं। और दूसरे का जो अकाज होता है ना, दूसरे का अगर बाधा हो तो उसी में उनको बड़ा अच्छा लगता है। और जो दूसरों के दोषों को जो है हजार आंखों से देखते हैं, अरे रे कहां, मतलब उनके दोष पे ही उनका नजर रहता है, कहां गलती हो बस वही देखते रहते हैं। और जो दूसरों की भलाई हो ना उसको जो है उनके जैसे खुद ही मर जाते हैं, उसको देख के ही मर जाते हैं। अरे मतलब अच्छा काम देख के उनको कष्ट होता है और बुरा काम देख के उनको बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे ये दुष्टों का सहज स्वभाव है। तेज कृषानु रोष महिषेशा अगय गुण धन धनी धनेशा उदय केत समहित सबही के कुंभकरण सम सोवतनी के। तुलसीदास जी कहते हैं जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूप में धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है, ऐसे दुष्टों के बारे में वो बता रहे हैं कि पर अकाज लग तनु परिहरही जिम हिम उपल कृषि दल गरही बंदौ खल जस शेष सरोसा सहस बदन बर नहीं पर दोसा। जैसे कि ओले खेती का नाश करके अपने आप गल भी जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना वो शरीर भी अगर उनको नष्ट करना पड़े तो उसमें हिचकिचाते नहीं दुष्ट लोग। ऐसे दुष्टों जो हजारों मुख वाले शेष जी के समान समझता हूं मैं उनको, और जो पराए दूसरों का हजार मुखों से बड़े बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं, ऐसे दुष्टों को भी उन्होंने प्रणाम किया है। आगे बताते हैं क्यों किया है। पुनि प्रणमो पृथुराज समाना पर अभ सुनै सहस दस काना बहुसक्रम सम विनमो तेहि संतत सुरानी कहित जेहि। उन्होंने बोला कि तुलसीदास जी ने कहा मैं फिर उन राजा पृथु भगवान का यह सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, उन्होंने एक महाराज पृथु हुए थे, उनको उनके समान मैं उनको मानता हूँ दुष्टों को। उन्होंने कहा जैसे कि पृथु राजा पृथु ने 10,000 कान मांग के भगवान की कथा सुनी थी, वैसे ही दुष्टों के 10,000 कान तो होते हैं, वो दूसरे के पापों को सुनते हैं, लेकिन मैं उनको राजा पृथु ही समझता हूँ कि भैया वो दुष्ट नहीं है भाई, हमारे लिए वो राजा पृथु है, इसलिए उनको मैं उनके समान जान के मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हें इंद्र के समान विनय करता हूँ। वो बहुत बड़े लोग हैं, उन्हें उनके समान विनय करता हूँ, जिनको कि उनको सूर्य जैसे इंद्र भगवान को सूरा जो है मंदिरा अच्छा लगता है, हितकारी मालूम होता है, वैसे ही दुष्टों को जो है पाप अच्छा लगता है। बचन वज्र जेहि सदा प्यारा सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको हमेशा कठोर वचन जो है प्यारा लगता है, हमेशा कठिन वाणी ही बोलेंगे, हमेशा जो है कर्कश वाणी ही बोलेंगे, प्यारे प्यारी वाणी तो बोल ही नहीं सकते, और हजारों आंखों से दूसरों को दोषों को देखते रहेंगे कि कहां किसका दोष हमें मिल जाए। उदासीन अरिमीत हित सुनत जरही खल रीत जानी पानी जुग जोरी जन विनती करई सप्रीत। तुलसीदास जी कहते हैं कि दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुन के जन भूल जाते हैं, यह जानकर भी मैं उनको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, विनय करता हूँ। उन्होंने दुष्टों को प्रणाम किया है कि भाई जैसे कि कहा भी गया है कि हमें दुष्टों से थोड़ा सा दूरी ही बना के रखनी चाहिए, उनको दूर से ही प्रणाम करके रखना चाहिए, तो महात्मा जी ने इसलिए दुष्टों को भी प्रणाम किया है। आगे भी उन्होंने और लोगों की वंदना की है,
वो जो है हम अगले पाठ में करेंगे। तब तक के लिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।